हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सो आज मैं आपको मूंग दाल गोश की रेसिपी देने वाली हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मूंग दाल गोश हमेशा परफेक्ट उतरे तो आपको मेरी ये रेसिपी एग्जैक्टली फॉलो करनी पड़ेगी और आपकी मूंग दाल गोश हमेशा परफेक्ट बनेगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब मूंग दाल लिया है, और यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेना है। आपको बिल्कुल भी इसे एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ना, अदरवाइज़ आपकी जो मूंग दाल है वो नीचे से लगने लगेगी, हमें वो नहीं चाहिए। आप बस लगातार चमचा चलाते हुए इसे ड्राई रोस्ट कर लें। तो ये देखिए, हमारी जो मूंग दाल है वो अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुकी है, आप इसकी शक्ल अच्छे से देख लीजिए। अब हमें इसे अच्छे से वॉश कर लेना है 3-4 पानी से, अच्छे से, जब तक आपकी जो पानी है वो साफ ना आने लगे। तो जैसे ही पानी आपके साफ आने लगेगी आप इसे भिगो कर रख देना है। जब तक हमारी दाल भिगो रही है, यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर हाई हीट पर चढ़ाई है और उस पर मैंने 1/2 कप के करीब तेल ले लिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हमें इसे 2 मीडियम साइज अनियन इस पर डाल देना है, थिनली स्लाइस करके मैंने डाल लिया था, और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो हमारी जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हमें इसमें डाल देना है गोश्त। गोश्त आप चाहें तो मटन ले लें या बीफ ले लें, बट मैंने यहाँ पे 1/2 kg के करीब बीफ लिया है। अगर आप मटन ले रहे हैं तो रेसिपी बिल्कुल सेम है, बस कुकिंग टाइम जो है प्रेशर कुकर का वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 1/2 teaspoon के करीब सॉल्ट ले लिया है, और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली देख लें कम या ज़्यादा। 1 tablespoon भर कर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और ये 1 teaspoon मैंने रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। अब लाल मिर्चों का पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 1 teaspoon हल्दी पाउडर लिया है, और ये 1 teaspoon मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। ये 1/4 teaspoon के करीब मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है। अब इन सारे मसालों को आपको एक अच्छा सा मिक्स दे देना है, और मिक्स देने के बाद हमें इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, 1/2 cup के करीब तकरीबन। और उसके बाद हमें इसे लिड लगाकर हाई फ्लेम पर पहली सीटी के लिए छोड़ देना है, और जैसे ही पहली सीटी आ जाए 20 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आप इसे प्रेशर कुक कर लें। 20 मिनट के बाद आप इसकी जो प्रेशर है वो रिलीज़ ना करें, प्रेशर खुद ब खुद रिलीज़ होने दें, और उसके बाद आप लिड खोलें, और उसके बाद आप चेक कर लें कि आपकी जो गोश्त है वो गली है या नहीं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं जो हमारी गोश्त है वो गल चुकी है या नहीं गल चुकी है। तो आप इस तरह से चेक कर लें, और मैंने सिर्फ 1/2 cup के करीब ही पानी डाला था, और देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने अपने गोश्त को एक दूसरी हांडी पे डाल लिया है, मेरा प्रेशर कुकर थोड़ा छोटा था, तो आप चाहें तो अपनी रेसिपी प्रेशर कुकर पे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लार्ज साइज़ का टमाटर कट करके डाल दिया है, और फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके ढक कर छोड़ दिया है, ताकि हमारी जो टमाटर है वो भी गल जाए और जो गोश्त है वो अच्छे से भून जाए। तो हमारे जो टमाटर है देखिए वो गल चुकी है, और गोश्त भी बहुत अच्छे से भून चुकी है। अब हमें इसमें डाल देना है जो हम लोगों ने भिगो कर रखा था। अब हमें इसे एक अच्छा सा मिक्स देना है, और कुछ नहीं, क्योंकि हमारा जो दाल है वो भी भुना हुआ है और जो गोश्त है वो भी भून चुका है। तो बस एक अच्छा सा मिक्स दें, और उसके बाद हमें इसमें डाल देना है पानी। तो पानी यहाँ पर मैंने 2.5 cup यानी कि 2 cup और 1/2 cup के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और उसके बाद आप हाई फ्लेम पर इसे एक उबाल आने के लिए छोड़ दें। जैसे ही एक उबाल आ जाए आप फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें, और इस जगह पे आप अपनी सॉल्ट को ज़रूर एडजस्ट कर लें, ताकि हमारी जो नमक है वो दाल पे परफेक्ट आए। तो आप इसमें लिड लगा दें, और उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर छोड़ दें। तो ये देखिए हमारी जो दाल है वो बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी है। आपको ये लग रहा होगा कि हमारी जो दाल है वो गली नहीं है, तो मैं अभी आपको चेक करके दिखाऊंगी। आप देखिए इसकी शक्ल बिल्कुल खड़ी खड़ी सी, दानेदार सी है, और ये देखिए चम्मच के पीछे से अगर आप दबाएंगे तो कितने आसानी से ये बिल्कुल मैश हो जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो दाल है वो परफेक्ट गल चुका है, और इसकी जो खड़ेपन है, जो खूबसूरती है मूंग दाल की, वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली आई है। तो ये इसकी रीज़न ये है कि हम लोगों ने जो शुरुआत में इसे ड्राई रोस्ट किया था, इसकी वजह से ये अपनी शक्ल जो है वो बरकरार रखी है, और हमारी जो मूंग दाल गोश है वो परफेक्ट बिल्कुल हमेशा इस तरह से उतरेगी। तो आप मेरी ये रेसिपी बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो करें, और इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी मूंग दाल की शक्ल भी बिल्कुल ऐसे ही आएगी, तो बहुत ही यम्मी लगती है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी और पानी डालकर एडजस्ट कर ली है, कंसिस्टेंसी आपको जैसी चाहिए
जितनी गाढ़ी चाहिए जितनी ड्राई चाहिए आपको हिसाब से आप अपने पानी डाल लें, और सॉल्ट भी थोड़ा सा चेक कर लें कि उसके हिसाब से ठीक है या नहीं है। मैंने यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, आप इस जगह पे गर्म पानी ही इस्तेमाल करें तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं बीच से कट कर कर, और 1/2 टीस्पून के करीब मैंने गर्म मसाला पाउडर डाला है, और ये 1 मुट्ठी भर कर हरा धनिया, और उसके बाद आप एक हल्का सा मिक्स दें, फ्लेम को ऑफ करें, और आपकी मूंग दाल गोश बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी है। तो मेरी इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करें, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने ट्राई किया तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरी ये वीडियोज़ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।